अच्छा वड्डे भरा नूं फोन कीता दुबई दे विच फोन कीता इह ते मैं तैनूं दसण आया वां पूरा प्यो ये
गई है। बंदा पूछे मैं विआह भीजा ने डेरे ते करवाया है चुक लैंदा। मैं तेरी भैन कट देनी है अब्बा। सही फिकरे बोल सही फिकरे। चंगा फालज होया हराम दिया सीधिया गल्ला करी जाना है। जिन्ना इना बहुता बोलोगे सारा हड्डी। तेरी दावत लखती दे ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਰਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਲਪਾ ਲਈਏ। ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਇਹ ਜਾ ਦਬਾ ਓਏ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਬੈਗ ਦੀ ਭੈਣ ਗਈ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਟਾ ਮੇਰਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈ ਲਾ ਫੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਧੀ ਮੁਰਖਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ ਬਾਹਲਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਕੀ ਜਰਗਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਵਾਬ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਓ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਣਾ ਆ। ਆ ਤੇਰਾ ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਫਾਲਾ ਯਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ ਆ। ਹੁਣ ਖੱਤੀ ਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਚੱਲ ਇਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਜਾਇਦਾ ਅੱਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। जिन्ना मर्जी मारी जाओ केड़ा मशीन च पैसे। तू मेरा पुत्त अब्बा तू इत्थे बह जा। किथे इहनूं ना एक मिनट ए पुत्तर ए सी खानदान ने ते होर भी लोकां ने मिलण वास्ते आउणा। अब्बा जी तुसीं ते 24 घंटे हर बंदे नूं गंदा करोगे। आ फड़ बन्ना उत्थे गोली खाधी उंगली ते असर कर गई। उंगली ते असर नहीं उंगली भावे उंगली बिठा दे उंगली बहुत तीन लाटा ला के हटी आ। अच्छा जी पायन गल है सारी गड्डी ला ले। हां जी हां इधर हो जा तेरा फराना भी हो जाया कर। हुण गल है कि साडी जायदाद दा गल है कि जायदाद लगेगी मेरे ना। देखो अब्बा जी ने मजा ना जायदाद साडे ना होनी है। हां जायदाद लगेगी मेरी और मेरी बेटी ना। जायदाद बैठ के स्टार हो तुसी टकरा मार रहे हो तो मेरी ड्रामे ते बुड्ढी है। ते जे बुड्ढी है तुसी 10 मिनट पहले ला लो कुछ मैं कि ला लूं। जे जे तुसी मसरूफ हो तो सारी जायदाद साडे नाल रखनी चाहिए सारी जायदाद। ठीक है अब्बा जी बेफिक्र हो जाओ तुम। अब बता तू मेनू मामू कह लिया कर जान और तेरा हाथ बहुत भरा है साहब। हां जी साहब री ठीक हो जाएंगे अच्छी तरह। साहब तेरे ठीक हो जाएंगे चेकअप मैंने कर लिया ते तकरीबन 4 महीने लगन गए उन्होंने।
लेकिन हो जाएंगे चार महीने में तीन तो चार दफा उन्होंने ट्रीटमेंट होएगा खर्चा कितना खर्चा यदा काफ़ी है क्योंकि मैं पहले लेता सीगा 500 रुपये डेली जी जी लेकिन हालात तो वाकई इस तरीके के ने महंगाई ज़्यादा ने मेडिसिन महंगी हो चुकी है समान सारा महंगा तो मैं थोड़े को लगूंगा 50,000 रुपये महीने का साहब जी असल जी गल पता की है डॉक्टर साहब जी मेरे साहब उन्हों के तीन बेटे है हाँ वो तीन जो बेटे है बिल्कुल इंजी है जिम्मे ना हो बराबर वो अपने बाप की केयर नहीं करते अच्छा तो मैं रहमदिली कर रहा मेरी तनखाह हैगी 15,000 तो 15,000 बाकी चलो मंग मिल लाँगे नहीं तो वो जो उन्होंने बेटे है उन्होंने देखभाल नहीं करेंगे फीस नहीं देंगे नहीं नहीं मैं अपनी तनखाह चो 15,000 मेरी तनखाह है बाकी मैं यार दोस्तों को मंग लाँगा यानी कि भाई इंसानी खिदमत करने वाली गल हो गई ना कोई ऐसी गल नहीं तू घबराना नहीं बाबू अच्छा आदमी है तो इंसानियत की खिदमत करने वाला है 15,000 चलो तेरा हो गया कुछ कर करा के कर लेंगे लेकिन मैं तेरे ज्यादा तावन तो नहीं कर सकता 5,000 रुपया मैं तेन रैत कर सकता 45,000 मैं लाजमी लाऊंगा नहीं जी वो तुम पांच भी रहने दो मैं कर लाँगा थोड़ी रहमदिली नहीं चाहिए तो तू किस तरह कर लेगा डॉक्टर साहब तुम भी अल्लाह को जान देनी है मैं ये दसो जी ये तो सुने ना कि दह दुनिया 70 आकर हाँ जी हाँ जी तो छड़ दो अच्छा चलो कर लागे महाराज तू अपने पेशेंट का ध्यान रखना मुकम्मल तौर पर खाण पीन चाहे फ्रूट और जूस फ्रैश जरा लाजमी देना और एक्सरसाइज जी मैं तेन दसी है जी जी। मैं भी उन्होंने करवानी है तू भी करवा रहना ठीक है मैं फिर आवाना इंशाल्लाह ओके।